नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिशियन दीपंकर यूट्यूब चैनल और मैं हूँ दीपंकर राय। दोस्तों आज का टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल स्विंग मशीन मोटर स्पीड। स्विंग मशीन मोटर क्या है आप भी यहाँ पे देख सकते हैं इमेज पे, ठीक है। स्विंग मशीन मोटर इसका कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसका कंट्रोल इसके माध्यम से किया जाता है, देख लीजिए आप। इसको कहते हैं स्विंग मशीन मोटर पैनल पैडल, ठीक है। स्विंग मशीन मोटर पैडल पैडल इसको पैडल कहा जाए, ठीक है। इसके कनेक्शन के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है आपको, इसको लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं जाके आई बटन में देख लीजिए। अगर नहीं देखा तो देख लीजिए कैसे कनेक्शन की कैसे की जाती है। लेकिन अब मैं दोबारा उसके बारे में बताने वाला हूँ आपको, अब ये वीडियो आपको अंत तक देखते रहिए। तो देख सकते हैं एक स्विंग मशीन पैनल के अंदर जो जैसे कनेक्शन होती है उसका थोड़ा उसका एक डेमो है। ये इसको हम रजिस्टर करते हैं जो फैन में टेबल फैन में पोर्टेबल फैन में जो इसी तरह का रजिस्टर लगा हुआ होता है उसी तरह का रजिस्टर है ये। और ये कनेक्शन का मॉड्यूल है, इसमें कुल 1 2 3 4 और 5 पिन दिया जाता है। पहला वाला पिन बहुत पांचवा पिन बहुत बड़ा होता है, उसके बाद छोटा 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 छोटा, ठीक है। और आपको सप्लाई देना होता है छोटा पिन से और आउटपुट लेना होता है बड़ा वाला पिन से, ठीक है। और ये जो प्लेट देख रहे हैं आप, जब आप पैर को दबाते हैं स्विंग मशीन दबाते हैं आपको आप, तब ये इसको पुल करता है, ऊपर ठेलता है, ठीक है। उसके बाद पहले टच इससे टच करता है, पहले फास्ट इससे टच हो जाता है, तब मोटर आउटपुट से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। कनेक्शन इसका मिल गया मोटर आउटपुट से, लेकिन अभी भी चल नहीं पाया, चलेगा नहीं। तो पहले हम रजिस्टर का देख रहे हैं आप, उसका कनेक्शन कर लेते हैं। पहला पिन को हम सप्लाई से जोड़ देंगे एक नंबर पिन से, और आखिर को हम जोड़ देंगे 4 नंबर पिन से, बाकी रहेगा 2। दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक के साथ हम जोड़ लेते हैं। मान लीजिए इसके जोड़ लिया, ये वाला लगेगा बीच में रहेगा, आप चाहे तो इसको इधर दे सकते भी इधर भी दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। और इस दोनों में एक दोनों के अंदर एक डायोड होना चाहिए, को एक डायोड लगाना होगा, ठीक है, डायोड लगाना होगा बीच में। अब बात करते हैं काम कैसे करता है। ये तो पहले टच हो गया, मोटर का आउटपुट मिल गया, लेकिन ये चलता नहीं है। तो दबा फिर दबाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा दबाएंगे, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, मतलब कि इसको वोल्टेज मिलने लगा है। लेकिन वोल्टेज मिला है, कौन सा वोल्टेज मिला है, सबसे कम वोल्टेज मिला है कि रजिस्टर के इस तरफ, ये जो ए वाला रजिस्टर जो होता है, इलेक्ट्रिक रजिस्टर होता है, इसको हम इधर दे ज़्यादा वोल्टेज, इधर सप्लाई दे या सप्लाई दे, आउटपुट इधर से ले इधर से ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तरह कम करेगा, ठीक है। तो जब लास्ट आखिर में जो पिन होता है उसके साथ जब आप इसको कनेक्ट कर लेंगे, तब दबाने पर ये कनेक्ट हो जाएगा, तब ये चलने लगेगा, लेकिन चलेगा बहुत स्लो चलेगा, बहुत ही स्लो चलेगा, मतलब कि फैन 3 नंबर स्पीड पे, ठीक है, 3 नंबर स्पीड पे चल रहा है आखिर स्पीड में। जब और थोड़ा दबाएंगे ये वाला भी इसका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पिन लगा है इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ये इनवैलिड हो गया, इसका कोई भी मोल नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है, इसके से चला है। लेकिन इधर देखिए, इधर गैप का देखिए, इधर गैप बहुत ज़्यादा था, इधर गैप बहुत कम है, मतलब कि ये रजिस्टर इधर ज़्यादा था पहले को आधा आ गया, मतलब कि आपको जो वोल्टेज मिल रहा था, मतलब अब मान लीजिए 220 के अंदर इसको पहले 70 वोल्टेज मिल रहा था, 70 वोल्टेज मिल रहा था, थर्ड स्पीड को 70 वोल्ट मिल रहा था, दूसरी पर आपको डबल मिलने लगेगा, 140 मिल जाएगा आपको, ठीक है, 140 प्लस वोल्टेज आपको मिलने लगेगा दूसरी स्टेज पे। तो स्पीड आपको इंक्रीज होगा और स्पीड 2 नंबर पर होगा, ठीक है, दूसरी नंबर पर आ जाएगा। अब थोड़ा पुल करेंगे तो इसके साथ लग जाएगा, सर कोई कनेक्शन नहीं है तो बेकार आएगा,
स्पीड आपका बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा भी नहीं और कमेगा भी नहीं, सेम रहेगा, दोनों पर स्पीड रहेगा। अब जब आप पूरा आपको प्रेस प्रेस कर देंगे तब ए वाला पिन टच हो जाएगा, तब क्या होगा, मेन सप्लाई इधर से मिल रहा था, ये सीधा जाके इधर से निकल जाएगा। तब क्या होगा, 220 जो सप्लाई हमें मिलता रहा था, 220 जो सप्लाई हमें मिल रहा था वही मिलने लगेगा, मतलब कि रजिस्टर का कोई काम नहीं है, रजिस्टर इनवैलिड हो गया, रजिस्टर का कोई काम नहीं रहा, अब ये डायरेक्ट हो गया। ठीक है, इस एक का पूरा लाइव डेमो हम अभी दिखाते हैं आपको, अभी आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे। अगले चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, आपको लाइव दिखाते हैं। दोस्तों मैंने ले आया है, उसे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यह है वो, देख सकते हैं अब लाइट थोड़ा कम है, ये रहा वो रजिस्टर, ठीक है, जो आप पंखे में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वही हम बाज़ार से खरीद सकते हैं, कोई भी रजिस्टर हम खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके तीन लेग मैंने पहले ही बताया था आपको, कनेक्शन पूरे डिटेल्स में दिखाया था, फिर भी दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह का कनेक्शन, ठीक है। तो पहले हम इसको देंगे आउटपुट में, इसको देंगे सप्लाई में, और इसको बीच में रखेंगे, बीच में इस पर भी नहीं रखेंगे क्योंकि इस पर एक डायोड दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, देखिए डायोड आप देख सकते हैं, डायोड दिया हुआ है, इसलिए हम इस पर नहीं रखेंगे, हम इस पर देंगे, इस पर देंगे ए वाला, उस पर देंगे, उसके बाद मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो कनेक्शन करके आपको दिखा देते हैं, तो कैसे कनेक्शन की जाती है, आपको आपको मेमोरी में ये सेव कर लीजिए कि कनेक्शन किस तरह किस प्रकार की जाती है, ताकि आप बदल सके, नहीं तो वीडियो आप सेव करके रखिए, आप बाद में देख देख के आप बना सकते हैं, आप बदल सकते हैं आपका रजिस्टर, आपका अगर तो आपका काम नहीं कर रहा ठीक से, स्पीड कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये वाला रजिस्टर एक पंखा का रजिस्टर होता है, पंखा का स्पीड कंट्रोल रजिस्टर, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में जाइए और बताइए कि मुझे एक पंखा का टेबल फैन का जो स्पीड कंट्रोल रजिस्टर होता है, ये देखिए नीचे आ रहा है स्पीड कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है, उसका वो रजिस्टर आपको चाहिए, इसे 10 से 15 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसका कनेक्शन कैसे करते हैं मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, अभी आपको लाइव करके दिखाता हूँ, देखिए उस तो रेडी है, देखिए आप पहला मैंने इस पर जोड़ा है, दूसरा वाला ये वाला, तीसरा वाला ये वाला, ठीक है, देख सकते हैं मैंने वायर को अलग अलग किया है। सबसे अच्छा होगा तो यहाँ पे एक सिलिकॉन पाई आप लगा दे, सिलिकॉन पाई बाजार में मिल जाता है आसानी से, वो पाई आप यहाँ पर लगा दे सबसे अच्छा होगा। ये दोस्तों देख लीजिए, दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको पूरी तरह समझ में आ गया है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, मैं हमेशा रिप्लाई देता रहता हूँ, जो भी व्यूअर्स हमें कमेंट करता है, हमारे लिए सब्सक्राइबर हमें कमेंट करता है, पूछता है कुछ भी, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूँ, तो डरिए मत, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है इस वीडियो के देखने के बाद भी आप काम करने में कोई भी तकलीफ हो रहा है तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो आप हमें वीडियो भेज सकते हैं, वीडियो करके आप मोबाइल पे देखिए मेरा ये है हाल है, मैं इसका ठीक कैसे करूं, उसके बारे में पूरे मैं जानकारी आपको दूंगा, पूरे जानकारी आपको मिलेगा, उसके लिए आप इस नंबर को नोट कीजिए, मैं नंबर लिख देता हूँ आपको, नंबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इस नंबर का अपलोड कीजिए, इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका वीडियो कीजिए और मुझे डायरेक्ट सेंड कीजिए, मैं इसका पूरा वीडियो बना के आपको यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, आप देख के उसका सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो फिर भी सॉल्व नहीं हुआ तो मेरे साथ आपको लाइव चैट कर सकते हैं, यहाँ पे लाइव व्हाट्सएप पे कीजिए, आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ लाइव चैट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको देता रहूँगा, बिल्कुल देता रहूँगा, क्योंकि ये मेरा जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि आप मेरा व्यूअर्स व्यूअर है, व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, इसलिए मेरा
फर्ज बनता है कि मैं आपका हेल्प करूँ, इसलिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप जल्दी से जल्दी इसको नोट कीजिए और आपका प्रॉब्लम मुझे तुरंत बताइए, मैं उसका रिप्लाई देना जरूर दूंगा। ये मेरा फर्ज है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।